Adhyan with Gaurav sir. Today we are talking about formulas of goodwill. इससे पहले हमने अपनी last video में goodwill की define, goodwill क्या होता है, कैसे generate की जाती है, इन सब के बारे में बात करी थी और मैं उसका link आपको नीचे video में दे दूंगा. तो formulas of goodwill में हमारे पास there are three methods of calculating goodwill. First one is average profit method, then super profit method, then capitalization method of goodwill. तो पहले हम बात करेंगे किसकी, average profit method. In this is also two types. First one is simple average profit method, जिसके अंदर हम goodwill निकालते हैं. कैसे, goodwill equals to में simple average profit into में number of year purchase. अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट उसे हम कैसे निकालते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या, सम ऑफ ऑल इयर्स प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स. देन नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट इसमें हम कैसे निकालते हैं, जहां पर हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट जो गिवन है उसके अंदर अब नॉर्मल लॉस को हम ऐड करेंगे और अब नॉर्मल गेन को हम लेस करेंगे. Abnormal gain is also known as abnormal profit. अब abnormal loss कैसे होता है भाई, abnormal loss जैसे कि loss by fire, loss by theft, voluntary retirement. Voluntary retirement क्या होती है, voluntary retirement वो होती है जैसे कि जो before time retirement ले ली जाती है. For example एक Mr. A है, अब जैसे कि हमें पता है कि government job हो जिसकी retirement की age 60 years की है. आप सपोज करो कि मिस्टर ए हैं जिन्होंने 55 इयर्स की एज में रिटायरमेंट ले ली बिफोर 5 इयर्स. तो इन दैट केस जो हमें प्रोविडेंट फंड जो आफ्टर 5 इयर जो पे करना था उसे हम अभी पे करना पड़ रहा है, तो वो हमारा क्या हुआ, एक तरह से अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल एक्सपेंसेस. तो दैट्स वाई ये हमारा प्रॉफिट के अंदर एड होगा. और अबनॉर्मल प्रॉफिट वो क्या होता है, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. भाई आज हमने कोई एसेट है वो सेल करी और वो बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट पे सेल हो गई, क्या हमारी वहां पे कोई एक्सपेक्टेशन थी, नहीं, तो हमारा वो क्या हुआ, अबनॉर्मल प्रॉफिट. ऐसे ही कोई डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है या हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो ये सारे हमारे क्या है, अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल प्रॉफिट है जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. ठीक है जी. देन हम बात करेंगे किसकी, सेकेंड मेथड की, जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज. अब बच्चों तुम ये कहोगे कि भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए भी आपको फॉर्मूला दिया गया है और वो क्या दिया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू में नॉर्मल प्रॉफिट इनटू में वेट अपॉन में टोटल वेट. अब बोलो वेट कहां से आ गया भाई, वेट कहां से लाएंगे, तो वेट हमें क्वेश्चन में असाइन किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कि 2021 के लिए 1 दे दिया, 2022 के लिए 2 दे दिया, 2023 के लिए 3 दे दिया, मतलब इस हिसाब से आपको वेट असाइन किया जाएगा और उसी का सम करेंगे तो हमारा टोटल वेट आ जाएगा. अब इसमें भी आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला वही है क्या जो हमने पीछे पढ़ा था, क्या कि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू में प्रॉफिट प्लस में अबनॉर्मल लॉस माइनस में अबनॉर्मल प्रॉफिट. और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अबनॉर्मल लॉस क्या होता है और अबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, तो शायद दोबारा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना बच्चों. देन थर्ड मेथड आता है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें सबसे पहले गुडविल निकालनी होती है, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज. अब भाई सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट, जिसे हम नेट एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं, और इसको लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट में से. अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे भी शायद वही वाला फॉर्मूला होना चाहिए जो हम पीछे पढ़ा है, नहीं, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट हम कह रहे हैं किसको, जो भी कैपिटल प्रॉफिट है इंटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है अपॉन में 100. कैपिटल प्रॉफिट इंटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100. अब कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट को हम जो है नेट एसेट माइनस में आउटसाइडर लायबिलिटी, जिसे हम नेट वर्थ भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, नेट वर्थ ऑफ द फर्म, और इसी को हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म भी बोलते हैं.
टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक बार सारा फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा है, जिसमें हमारे पास क्या था कि जो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट के अंदर हमने गुडविल निकाली थी, जिसके अंदर हमारा फॉर्मूला क्या था सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू मेन नंबर ऑफ ईयर परचेज, और जिसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन मेन नंबर ऑफ ईयर्स, एंड नॉर्मल प्रॉफिट वो क्या है प्रॉफिट प्लस में अबनॉर्मल लॉस माइनस में अबनॉर्मल लॉस माइनस में अब नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हमने बात करी किसकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट की, जिसके अंदर हमारा फॉर्मूला क्या था गुडविल निकालने का वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, और यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट इनटू में वेट अपॉन में टोटल वेट। देन हम बात करें किसकी सुपर प्रॉफिट की, अब सुपर प्रॉफिट क्या था हमारे पास जिसमें गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट क्या है एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल यानी कि नेट एवरेज प्रॉफिट, और नेट एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या होती है रेम्यूनरेशन होती है विच इज पेड टू प्रोफेशनल्स माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, देन हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, जो कि पूरी फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू को शो करता है। इसके अंदर पहला आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस में नेट वर्थ ऑफ द फर्म, और नेट वर्थ मैंने आपको बताया था क्या टोटल एसेट माइनस में आउटसाइडर लायबिलिटी, और कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं एक्चुअल प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और एक्चुअल प्रॉफिट क्या था बताओ नेट एवरेज प्रॉफिट, जब कैसे निकाला था हमने एवरेज प्रॉफिट माइनस में रेम्यूनरेशन। ठीक है, और इसी में दूसरा मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर बहुत सिंपल है क्या गुडविल इक्वल टू में सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बच्चों जैसा कि एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस में नेट वर्थ ऑफ द फर्म, और कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू में एक्चुअल प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल इक्वल टू में सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको स्क्रीनशॉट लेना भाई स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।